बोले आप पहले बता हमने केदारनाथ बद्रीनाथ द्वारिका काशी विश्वनाथ बस हमारा पण चार धामों से बाप जी तमने खबर छे ने तेने भाई मने क्या खबर हुए धाम तमारा मने केवी रीते खबर पड़े भाई કે મારા ધામના નામ સાંભળું છે તમે સાંભળો સાસુ તીરથ સાસુ તીરથ સસુરા તીરથ આગે કી લાઈન મેં ભૂલ ગયા એને આગે કી લાઈન મેં ભૂલ નહીં પાઉંગા क्योंकि सुबह से लगाऊ तो तीन अक्षर भूल जाता हूँ। आप लोग याद कर लें, ऐसे आभास काफी लोगों का होगा कि सबसे बड़ा तीर्थ कहाँ है जहाँ पहले सर झुकाया जाता है। कन्हैया जी को सेवा करनी है, वात्सल्य है, लेकिन चल पड़े हैं जमुना के किनारे, पर हमारे नंदलाल ने भाव क्या दिखाया मालूम है कि चले हैं नाग नाथन को बहाना गेंद के नाग को भगाने चले हैं, लीला लचा रहे हैं। खेल बहुत है, कबड्डी है, हुतुतु है, खो है, आज कन्हैया जी गेंद खेल रहे हैं। कन्हैया जी ने गेंद श्री दामा को मारा, श्री दामा उनके पीछे भगे और सारे ग्वालों ने मिलकर गेंद खेला। कन्हैया देख रहे हैं, देखते देखते ग्वालों ने अब कन्हैया जी जानबूझकर जमुना की तरफ ही भागते चले जा रहे हैं, क्योंकि उनकी लीला तो वही जाने। श्री रामा ने गेंद फेंक कर मारा और गेंद काली दाह में जाकर गिर गया। अब आजकल जैसे लोग कहते हैं ना कि सर अगर हमारी इच्छा वाली बात नहीं हुई तो हम आपके साथ नहीं खड़े होंगे, आपने हमारे जाति समाज को अगर टिकट नहीं दिया तो हम आपको मतदान नहीं करेंगे, आप हमारे ब्याह में नहीं तो हम आपके ब्याह में नहीं आएंगे। ऐसे बच्चे भी कहते अगर मुझे खेलने को नहीं दिया तो मेरा बैट लेकर गया तो बॉल से रमते रहियो। भाई आपने मेरा नाम नहीं डाला, आपने मुझे सम्मान नहीं दिया तो हम आपके साथ नहीं रहेंगे। अब यहां वो दशा हो गई। श्री रामा कहता हो काना तू होगा तेरे बड़े घर का, मैं तो मेरी छोटी से गेंद में खुश हूं। कन्हैया कहते भाई दूसरी ला दूंगा, तीसरी ला दूंगा, चौथी ला दूंगा। वो कहते ना ना मुझे तो मेरी वही गेंद चाहिए। भगवान का दूसरा अवतार हो तो कलाएं घट जाती या बढ़ जाती, गेंद दूसरी कहां से लावे। आज कहते ना मैं आपके साथ आता लेकिन आपने मेरी मानी नहीं तो मैं क्यों आऊं, आप मेरे आयोग में सम्मिलित नहीं थे इसलिए मैं आपके सहयोग में कैसे आऊं। महामंडलेश्वर जी आपकी जो है कुंभ की यात्रा थी, आपने मेरी फोटो नहीं लगाई थी बैनर में तो मैं कैसे आऊं। अबे मूर्ख मरने के बाद फोटो लगती है, जीते जी सिर्फ संतों की लगती है। अब देख काम कर ले, या तो भगवा पहन ले या तो अगली तैयारी कर ले। कन्हैया जी से आज श्रीदेव ना भाई ना मेरा वही गेंद चाहिए। कन्हैया जी को लीला रचानी थी और देखते देखते कन्हैया जी ने छलांग लगा दी। कन्हैया जी का इतिहास है,
कि शुभ घड़ी शुभ दिन मुहूर्त नंद के लाला हुए शुभ घड़ी शुभ अंधेरे में ही रोशन होता है।
और संत वहीं जाता है जहां नास्तिक होते हैं और उन्हें सत्संगी बना देना संत का काम होता है, और भगवान वहीं जाता है जहां भक्तों का कष्ट होता है। नागिन है फिर भी वात्सल्य भाव मातृत्व भाव देखिए। भगवान ने चलते रहिए, भगवान ने नाग को नाथ लिया और नागिन से पूछा कि मैंने आपके स्वामी को नाथ लिया, आपको कोई भय है? नागिन ने कहा महाराज नहीं,
बोले क्यों? बोले आज मैंने मेरे स्वामी की डोर जगत के स्वामी को सौंप दिया, अब भय किस बात का? Yeah.
निवासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुहि विघ्नं कात्यायन अर्चनं व्रतम् गंधे माले सुरभिवाली धूप सुगंध दीपिकै उच्चावश्च पैहारौ प्रवाल फल तंडुलै कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतं देवीं पतिं ते कुरुते नमः इति ह मंत्रं जपतस्य पूजाम चक्रकुमारिका एवं मासव्रतं चोरु कुमार्यः कृष्णचेतसा भद्रकाली समानुभूर्य आनन्दौ सुतापति उच्चाय गोते स्वरयो नः योजन्य बाधुबाह हेमंत ऋतु आई है और हेमंत ऋतु में सभी कुमारी कन्याएं मां कात्यायनी की पूजा करती हैं। गुप्त नवरात्रि आती है उस समय और उस समय जो कन्याएं पूजा करती हैं वो यही मांगती है मां हमें सुंदर घर सुंदर वर दोनों मिले। व्रत उपवास करती हैं नित्य की भांति सारी सखियां जब तक ये व्रत चलता है ये हमेशा यमुना तट पे जाकर स्नान करते हैं। कन्हैया जी का आगमन होता है। कन्हैया जी ने पहले किया वो सखियों नहाने जा रहे हो ना तो अपने वस्त्र तो लेके जा। जा करके गोपियों ने स्नान करना शुरू किया। निर्वस्त्र होकर गोपियां जल में स्नान कर रही हैं जो अनुचित है। गंगा में सरयू में स्नान निर्वस्त्र होकर करना अनुचित है। कन्हैया जी ने चीर चुरा लिया और ब्रज की बालाओं से कहने लगे जाओ अपना चीर तो उठा लो। अरे यहां कौन है? तब उन्होंने कहा अरे मूर्खा तुम स्त्री हो और इस जल के अंदर वरुण देवता का लास होता है मर्यादा नष्ट होती है इसलिए गंगा में यमुना में निर्वस्त्र होके स्नान नहीं करना चाहिए यह ध्यान रखा है। मध्यांतर में गंगा में चरण नहीं रखना चाहिए। स्नान की विधि है कि अगर आप गंगा यमुना में स्नान करने जा रहे हो तो सबसे पहले उसको बंदन करो मस्तक पे लगाओ भाव करो फिर उसमें डुबकी लगाओ। साबुन शैंपू ये सब चीजें नहीं लगानी चाहिए। जो उसका भाव है गंगे तव दर्शनात मुक्ति है। अब एकादशी का समय आया है। एकादशी व्रत करने के बाद स्वयं बाबा नंद स्नान करने चले गए हैं और वरुण देवता के लोग वरुण के देवूत नंद बाबा को पकड़ के ले गए वरुण लोक में। सत्य और मर्यादा इसमें कोई रिश्ते नहीं होते। सत्य सिर्फ सत्य होता है
वरुण देवता को कह देना चाहिए ना, ये तो भगवान कृष्ण के पिता हैं, गलती हो गई होगी, छोड़ दो। क्यों ले गए फिर वरुण लोग? वरुण के दूत इनको पकड़ करके ले गए हैं। कृष्ण को ज्ञान होता है और कृष्ण अपने पिता को छुड़ाने के लिए वरुण लोक में पहुंचते हैं। वरुण ने प्रश्न किया और जाते ही वरुण देवता ने भगवान की पूजा की, आराधना किया, चरणामृति लगाया। अब थोड़ा पता नहीं लग रहा है, पिता को कैद में रख दिया और पुत्र की पूजा हो रही है ना? तो जब बातें धर्म कर्म की हो तो कर्म वीर क्या कर्म करे। भाव देखिए, वरुण देवना ने साष्टांग दंडवत किया, प्रणाम किया और कहने लगे त्राहिमाम गोविंदा, त्राहिमाम गोविंदा, त्राहिमाम। कारण पूछा, बोले प्रभु मर्यादा और योगीश्वर ये दोनों अवतार आपके ही है महाराज। भगवान राम पौरुष हैं, पुरुषोत्तम हैं। भगवान राम पौरुष हैं और पुरुषोत्तम भी। आप योगीश्वर हैं, आप मर्यादाएं रचाने वाले हैं मेरे प्रभु। पहला कारण आपको पिता को लाने का ये था कि अगर मैं वहां आकर के दर्शन करता तो आपके दर्शन लाभ और उसका फल, उससे मोक्ष, आपके हृदय से स्पंदन, आपकी कृपा की पात्रता सिर्फ मुझे प्राप्त होती। लेकिन इस कृत के कारण, इस के कारण अगर आप मेरे प्रभु वरुण लोक में आ गए तो सारा वरुण लोक धन्य हो गया, क्योंकि श्रीहरि के चरण यहां लग गए। कारण कुछ भी हो, दर्शन करना था दयानिधि। अब दूसरा कारण, प्रभु जी आपके पिताजी को जो लाया गया वो सामाजिक मर्यादा। जमुना जी कौन है? तिवारी बाबा जी। जमुना जी कौन है? कन्हैया जी की पटरानी। अब कन्हैया की अगर पटरानी है तो नंद की क्या हुई? बहू। तो जाना चाहिए आधी रात को उधर? सांसारिक मर्यादा है कि जहां हमारी बहू बेटियां हों उनसे हमें थोड़ा सा मर्यादा बना करके ही रहना चाहिए, और अगर यही नहीं करता तो गड़बड़ हो जाता ना। वो बात अलग है कि अब फैशन उतर गया, अब भारतीय संस्कृति ने आकर के सब सत्यानाश कर दिया। बाकी हमारा पर्दा ही हमारी दौलत है। अब भैया शेखावत जी गलती से, आपका तो सब अनुभव होगा, यहाँ तो प्रैक्टिकल अनुभव नहीं है, किताबी ज्ञान है। गलती से अगर मेरी बहन के है ना कान में चोने का पहनवा दो ना, सोने का लंबा वाला है ना, दोनों कान में नहीं, और गांव में शादी हो ना तो अगर मान लो पहले देवी जी का घूंघट यहाँ तक रहता होगा ना तो उसी दिन ऐसा हो जाएगा है? और आवाज देंगे, अरे ओ भैया शर्मा जी, शर्मा जी उधर वाला नहीं। अरे जब तक कोई ये ना कह दाएगे तुम्हारो बालू छे शांत बहुत अच्छा अतिशय सुंदर अप्रतिम, तब तक वो दिखाती है। क्योंकि झूठी तारीफ सुनने की आदत है, और स्त्री की सुंदरता ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है। अहिल्या का कोई दोष नहीं था, अहिल्या अतिशय सुंदर थी, इसीलिए इंद्र की कुदृष्टि पड़ी। इंद्र की कुदृष्टि पड़ी, चंद्रमा ने साक्षरता दिया और उनके पति ने कह दिया जाओ आज से पत्थर हो जा।
पत्थर बन गई, लेकिन पत्नी ने नहीं कहा मेरा क्या दोष है, मैं तो सुंदर हूँ, लोग चलेंगे तो देखेंगे, तो फिर पर्दा भारत की प्रक्रिया उसमें रहो ना। अहिल्या को श्राप दिया गया, गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया कि जाओ पत्थर हो जाओ मेरे भाई बहन। अहिल्या ने ये नहीं कहा मेरा क्या दोष है, क्योंकि सर्वोपर थी, उसे पति की आज्ञा। और जब भगवान राम का चरण लगा ना, उद्धार हो गया, तो भगवान ने पूछा भी आपको जो है बुरा नहीं लगा जब आपके पति ने श्राप दिया, तो उन्होंने कहा नहीं कि मुनि साप जो दीना अति भला कीना दो कर जोरी बिनी मुनि साप जो दीना अति भला कीना दो कर जोरी परसत पद पावन सो कर सावन जगत भई तब पावन। भगवान के चरण लगते ही उस पत्थर के अंदर से तेज पुंज स्वरूप में अहिल्या सुंदर कामदेव की पत्नी से सुंदर स्वरूप में आ गई, रति से भी सुंदर स्वरूप में। तो भगवान ने पूछा आपके पति ने आपको श्राप दिया बुरा तो नहीं लगा, बोले नहीं, मैं तो आभार प्रकट करती हूँ मेरे पति देव का, क्योंकि अगर मेरे पति ने श्राप नहीं दिया होता तो आज मुझे आपके चरण का रज नहीं मिला होता, मैं भवसिंधु से नहीं तरी। सबसे बड़ा भाव किसका होता है? सुंदरता। लेकिन वो है सुंदरता की नहीं है, जमाना खराब हो गया, क्या करेंगे साथ? हमारे महापुरुष, हमारी बूढ़ी माताएं बिंदी लगाती थी, प्रमाण था, औरत के पत्नी के धर्मांगनी के श्रीमती जी के मस्तक पे अगर बिंदी लगे तो सुहाग के लिए, माग में सिंदूर है तो दीर्घायु होता है उसका पति। टूटे हुए शीशे को कभी नहीं देखा जाता था, सिंदूर अगर जमीन में गिर जाए तो आंचल से उठाया जाता है, ये भारत की परंपरा है। हमारी माताएं कहती थी आज मैं श्रृंगार कर रही हूं, ये शीशा गिर के टूट गया संभाल के जाना, कहीं गलत संकेत है। ये सब संकेत थे, लेकिन अब तो उल्टा हो गया साहब। अब ये सुहाग की बिंदी कहाँ रहती है? बाथरूम के दरवाजे पे, तुम यही रुक, मैं बाहर मिलूंगी तुझे। सिंदूर खत्म हो गया, वो मार कर आ गया, बिंदिया खत्म हो गया, क्या बताएंगे। लेकिन मेरी बहनों, भारतीय संस्कृति है ये, हम भारतीय हैं, हमारा परिचय हमारा गुण है, हमारा कर्म है, हमारा ध्येय है, हमारा साधना है। अगर यही फैशन का दौर रहा, क्षमा करके माफ कर देना जो बोलने जा रहा हूं, थोड़ा कड़वा लग सकता है, अगर यही चलता रहा तो समाज में निकले हुए बच्चों को कभी ये माताएं स्तनपान नहीं कर पाएंगी और बच्चे भूखे मर जाएंगे। भारतीय संस्कृति में साड़ी पहनती थी माताएं, पल्लू डालकर अपने बच्चे का भूख मिटा देती है, वे जींस वाले कहां से पल्लू लाएंगे। इसलिए भारतीय परिधान में रहो, अपनी पारंपरिक जो आपके गुजरात के दृश्य हैं, गुजरात के वृक्ष हैं, उनको धारण किया करो, मेरा निवेदन है। उसमें आप सुसज्जित दिखते हैं और बहुत प्यारे दिखते हैं। आधुनिक परिधानों से दूर रहिए, वेस्टर्न कल्चर से दूर रहिए मेरी बहनों। ये एक नाग है, इसका बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन भी है, व्यासपीठ भी हो या मैं काफी चीजें नहीं बोल सकता हूँ, मर्यादा है। आपका जो पारंपरिक परिधान है गुजरात का, भारत का, उसी में रहो, बड़े सुंदर दिखते हो आप।
इस बनावट की दुनिया में मत जाओ, यहाँ पे सिर्फ रोग 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 मिलने वाला, आनंद का संयोग कभी नहीं मिलेगा। ये मेरा निवेदन रहेगा कि अगर भागवत कथा श्रवण किया तो आज से कुछ चीजें छोड़ देना, आधुनिक परिधान बिल्कुल ही त्याग कर देना, माता पिता की सेवा में लग जाना, स्वनिर्मित भोजन करना। बाहर की ऐसी ऐसी चीजें हैं जो शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। कन्हैया जी के अंदर यही तो खासियत थी कि गाय का दूध, गाय का घी, गाय का माखन खाते थे। अनेक प्रक्रियाओं से गुजरते हुए भगवान ने अब एक स्थिति का निर्माण आ गया है। राजनीति की बात करते हैं कुछ लोग तो हनुमान से बड़ा कोई मांत्रिक नहीं। शर्मा जी, हनुमान से बड़ा कोई मांत्रिक नहीं, शिव से बड़ा कोई तांत्रिक नहीं, और हमारे कन्हैया से बड़ा कोई राजनीतिक नहीं। कन्हैया से बड़ा राजनीतिक कोई नहीं है। कन्हैया आज गोपियों के बीच रात रचा रहे हैं, ब्रज में आनंद ले रहे हैं, ब्रज की बालाएं आज कन्हैया जी से नाराज हो गई हैं। अगर आपके प्रिय प्रियतम जिससे आप अगाध प्रेम करते हो आपको समय ना दे, थोड़ी सी नाराजगी रहेगी ना। हंसते हैं ना लोग, हंसते। साइकोलॉजी एक बहुत बड़ा पार्ट है। अगर आपको बॉडी लैंग्वेज पढ़ना नहीं आएगा ना तो लाइफ खत्म हो जाएगी। हंसते हैं ना, ये हंसी भी बहुत कुछ कह जाती है, नहीं कहती है? किसी के आनंद में आनंदित तो होकर जब आप हंसते हैं तो दो दांत दिखते हैं, और जब किसी में खुश होकर तो कन्हैया जी की मुस्कान जान लेती थी, है ना, कि सामने मेरे जिस दिन वो आ जाएंगे दूर सिकवे गिले सारे हो जाएंगे, बात करने लगेंगी आंखें वहां, तेरे चंचल जुबान कुछ न कहे। अब माताओं की भी जो मुस्कान व्यंगता है, अगर माताओं से कोई चीज कहो शेखावत साहब, ओ शेखावत साहब, अगर किसी से कहो ये चीज अच्छी लगती है, हाँ ठीक है, तो समझ जाओ he can sacrifice, she is not satisfied। अगर वो ये कह दे ये ले आऊं आपके लिए, देख लो, मतलब वो लाइक नहीं कर रही है ना। और अगर उसे कह दें ये करना है आपको, जैसी आपकी इच्छा प्रभु जी, मेरे प्रियतम, मेरे स्वामी, तो समझ लो मक्खन लगा रही है, बला को टाल रही है, उससे वो चाह रही है भी बात ना हो। और अगर कह दिया ये चीज करना है, ये टक से भी बोलती है, सीख लो आप लोगों का क्या काम आएगा, यहां तो किताबी ज्ञान है। कहो भैया अगर बोल दे कि ये करना है कर लूं, ये भी सिंगल बोला तो ना, अरे बोल दे गुजरात में आवे गरबो ने दिवस आए, गरबा रमू छे ना क्या जमाना छे, मतलब ये बॉडी लैंग्वेज है। फैमिली अंडरस्टैंडिंग में जब माता अपने बेटे के चेहरों की पढ़ती है, कन्हैया जी ने सबका चेहरा पढ़ना चालू किया। और अगर बैठ करके ध्यान देना, कार्यक्रम बैठ रहा है, भोजन बन रहा है, और आप जाकर घर पे बैठ गए और आपने एक बार बोला भोजन हो गया, खैर अब तो लोग खाना बनाते हैं, भोजन का बात ही खत्म हो गया, भोजन हो गया, और अगर वो कह देना वेट, तो आप समझ जाना कि आज अगर आपने इस बेट के बाद मुंह खोला ना तो कल आपके लिए गेट बंद हो सकता है, इसलिए शांति रखना, बाहर का ही भोजन लेना पड़ेगा। मतलब ये कि चीजें बॉडी में, ये आंखें बहुत कुछ बोलती हैं,
ये हमारी आंखें हैं ना, अगर सामने वाले को देखती हैं तो बहुत कुछ। चाणक्य ने तो कहा है ना, जब कोई नजर झुका ले और छुप छुप के देखे तो समझ लेना उसे आपसे प्यार हो गया। और अगर जब कोई आपकी आंखों में देखे और मंद मुस्काने तो आप समझ लेना उसे आपकी तरक्की से जलन हो गई है। थोड़ा शांति रखो, दिन में खूब मेहनत कराइए, ठीक है? यानी बॉडी लैंग्वेज। आज ब्रज की बालाओं ने कहा ओके, हमारे और कन्हैया तेरे बीच में शत्रु या मुरलिया है ना, यही है मेरी सौतन। कई कई बालक तो नु कह दे मोबाइल है ना, एक बार देखे दो बार देखे ना सुने बोले ये सौतन को बाजू में रखते कि नहीं। पत्नी से जो दूर करे पति को वही उसकी सौतन, चाहे पड़ोसन हो या मोबाइल। अब ब्रज की बालाओं ने कह दिया ये मोबाइल है ना, अपन बैठे ना, आप बैठे हो, कई बार हमारे एक संबंधी है अगर वो बैठे और फोन किसी का आ गया, अब हो जाता है कई बार अवश्य, कैसे तो मैं फोन बहुत अवॉइड करने लगा हूं, है ना। उसके बाद में वो क्या कहते, ये फोन ये सौतन है, जैसे लोगों की बाबा जी बोलते हो सौतन, ये फोन बाजू में रखो। आज ब्रज की बालाओं ने किया और कन्हैया की बंसरी चुरा ली और आज मेरे कन्हैया किस हद तक गोपियों से मांगने लगे। दई डारो ओ कन्हैया, तू मेरी तरफ नहीं आता ना, इसलिए ये बंसी चुरा लेंगे, क्योंकि ये बंसी ही मुझसे दूर करती है। दई डारो मोरी बांसुरी ओ राधा रानी। आप भी कभी घर में गिर गिराए नहीं, मोबाइल छीन के रख लिया तो कभी आप कह दे देना, एक बार दे देना, बहुत जरूरी फोन करना, आपने किया कभी? तो मैं भी किया ऐसा कभी, आपके साथ हो चुका है। जब देखो मोबाइल में लगे रहते तो रोटी तो खा लो रख लो, तो फिर अब आदमी गिड़गिड़ाता है, दे 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 दे, अच्छा आप नहीं, बस ये फोन बहुत जरूरी कर लूंगा। दई डारो मोरी बांसुरी हे राधा रानी, दई डारो दई डारो दई डारो मोरी बांसुरी हो राधा रानी, दई डारो मोरी बांसुरी हो राधा रानी, दई डारो मोरी बांसुरी दई डारो हो राधे, दई डारो हो राधे, दई डारो मोरी बांसुरी पराजिता, वो अमृत सना,
सबका नाम लेके कहते हैं तुझे पता ही नहीं है इस बंसी में मेरे प्राण छिपे हुए हैं और डरा रहे हैं अगली लाइन में तुझे पता नहीं है इसमें बड़ी जादू छिपी है तेरे पास रखेगी ना तो रात में कन्हैया बन जाएगी बाजी उल्टी हो गई गोपियों ने कहा यही तो हम चाहते हैं Hello.
लिया है। अब कंस ने सारे शस्त्र अस्त्र चला लिए, साम दाम दंड अभेद। राजनीति हमेशा, नीति जो है धर्म से पैदा होती है और नीति से राज चलाया जाता है, लेकिन अब नीति खत्म हो गई, खाली राज रह गया है ना। कन्हैया से बड़ा राजनीतिक कोई नहीं है। आक्रूर जी को बुलाया अंत में कंस ने, कहा जाओ कन्हैया को लेके आओ। कन्हैया को लेने के लिए आक्रूर चल पड़े हैं। मन ही मन कल्पना करते हैं कि पता नहीं, मैं तो शत्रु के घर से हूं, मेरे साथ क्या व्यवहार होगा। आपके साथ भी कभी ऐसा होता है, हमारे साथ भी। कहीं हम जानते हैं जो चीज कल होने वाला है, आज से ही हम उस पर परेशान हो जाते हैं। पता नहीं जा रहे हैं, क्या व्यवहार करेंगे, मिलेंगे भी हमसे कि नहीं, बात करेंगे भी हमसे कि नहीं, सुनेंगे भी नहीं। ये आपके विचार हैं ना, आप दूसरे की समीक्षा क्यों कर रहे हैं। आक्रूर जी अब घर से निकले हैं और विचार कर रहे हैं, मैं दुश्मन के घर से आया हूं। कंस ने कन्हैया को बहुत सताया है, नंद बाबा को बहुत सताया है, भले ही रिश्तेदारी सही, लेकिन कन्हैया जी के यहाँ हम लेने जा रहे हैं, मेरे साथ पता नहीं कैसा सदव्यवहार होगा, दुर्व्यवहार होगा। लेकिन वहां जाके तो उल्टा हो गया। कन्हैया जी ने आते ही गले लगा लिया। आक्रूर का मन था मेरे साथ शत्रुवत व्यवहार होगा, और यहां मित्रवत हो गया। अब आपने जो सोचा वो सही, या जो हुआ वो सही। आक्रूर जी जब से चले मथुरा से ब्रज की ओर, तब तक सोचते रहे हम शत्रु के घर जा रहे हैं, ब्रज के सभी बच्चों को नुकसान पहुंचाया है, हम कंस के परिवार के लोग हैं, हमें कन्हैया कैसे रखेंगे, नंद बाबा क्या करेंगे। क्योंकि मेरे भाई, नंद बाबा गृहस्थ होते हुए भी एक संत हैं, और संतों को तो सिर्फ प्रेम करना आता है, बाकी कुछ आता ही नहीं। एक बार गौतम ऋषि का आगमन एक नगर में हुआ है, जहां लोग संतों का पैर छू रहे थे, साष्टांग दंडवत कर रहे थे, अपनी पगड़ी उठाकर बिछा रहे थे, वहीं एक व्यक्ति ने उनके मुख पे थूक दिया और उनके सानिध्य में रहने वाला एक बालक आनंद नाम के शिष्य ने, जिसने थूका था, उस बच्चे का गला दबाया और इतनी जोर से कि दो पल लगे तो हर हर महादेव हो जाए। स्वामी जी ने उससे छुटकारा, बोला छोड़ो। अब वो रोने लगा, पहले मुंह पे थूका, अब वो रोने लगा। गौतम ऋषि ने कहा, आप रो क्यों रहे हो। बोले, प्रभु त्राहिमाम, पहले तो मैं लोगों से सुना था, लोगों की बातों में आस्था रखता था, लेकिन आज यथार्था में जब मैंने आपके कृत को देखा, पहले मुझे आपसे जो है घृणा हो गई थी। स्वामी जी ने कहा, तो ठीक है, अब आपको जो सुकृति करनी थी वो तो कर लिया, अब क्या बाकी है। कहने लगे, महाराज अब मुझे आपसे प्यार हो गया। तब मैं आपसे घृणा करता था, क्योंकि मैं लोगों की सुनी ही बातों पर भरोसा करता था। सत्य का भान नहीं हो तो दिमाग मत लगाओ, यथार्थता का भान नहीं हो तो तुक्के मत फिट करो। कुछ जगह ऐसे हैं जहां तुक्के फिट नहीं होते हो, एक्शन टू रिएक्शन हो जाए पची। के जब तक मुझे भान नहीं था, तब तक मुझे आपसे घृणा थी गौतम ऋषि, लेकिन आज जब मैंने अस्पष्टवादिता से आपके व्यवहार को देखा, कि आपने ये प्रेम दिखाया, कि मैंने आपके मुख पे थूक दिया, लेकिन मुझे आपने मृत्यु से बचा लिया, तो मुझे आपसे प्रेम हो गया, और अब डर लगता है कहीं आप मुझे ठुकरा ना दें।
गौतम ऋषि ने कहा, भाई ठुकराना और अपनाना, मतलब के लिए साथ चलना, बाद में दामन छोड़ देना, ये संतों का काम नहीं होता। हम संत हैं, हम तो सदा प्यार करते थे, करते हैं, करते ही रहेंगे, क्योंकि इसके अलावा हमें कुछ आता ही नहीं। कन्हैया जी को बुलाया और बीच की बालाओं ने कन्हैया पे आरोप लगा दिया। हम पे भी कभी कभी लग जाता है, राजेश जी हम पे तो बहुत कर्रा वाला लगता है और इतना बुरा वाला लगता है कि बस मैं ठाकुर जी से कहता हूँ तू ही सवाल। आज ब्रज की बालाएं कहती है, जा रहा है ना मथुरा, तो सुन, किम विश्वास संपादयते तव कृष्णा, नित्य हरमन्ति नव प्रिया। अरे जा जा ओ बेवफा जा, तेरे पे क्या भरोसा करें, तेरी तो आदत पड़ गई है नई गोपियों के साथ रहने की। तो शर्मा जी हमारे साथ ये होता है, गुरु जी बदल गए हैं, अब पहले जैसे नहीं है, हमको प्यार नहीं करते, हमको डांटते, उसको लाड। अगर मैंने प्यार ही करना होता तो भगवा क्यों पहनता। हम मोहब्बत करते हैं, नशा भी करते हैं, पर नशा वो करते हैं मेरे भाई जो कभी उतरता ही नहीं, और हम महबूब बनते हैं महबूब, हजारों आशिक पीछे घूमते हैं, मासूका बनो, ऐसे काम नहीं करते। तो हमें तो बहुत सुना शेखावत साहब, कभी भी जहां भी जाएंगे ना, गुरु जी पहले जैसे नहीं रहेंगे, फोन लगा दो, फोन नहीं उठते, बिजी 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 बिजी, ऐसी दशा आज कन्हैया जी को। अब आप देख रहे हो, इतना दिन भर आपके साथ मैं कोई फोन उठा सकता हूँ बता, लोगों के फोन आ रहे तो ऑन कर देता हूँ यहाँ से कि दो मिनट हरी भजन सुन लो, सुकून मिल जाएगा। फिर भी क्या, पहले जैसे नहीं है, बदल गया। ऐसे आज कन्हैया जी से कहा गया, किम विश्वास संपादयते तब कृष्णा, नित्य हरमन्ति नव प्रिया, तेरे पे क्या भरोसा करे। आज तो तूने ये किया, रात तेरी सफर में गुजरेगी, कल वहां कोई और से। लेकिन मेरे कन्हैया ने कहा, अरे ब्रजवालाओं जरा मेरे दायित्व को सोचो, मेरे जन्म का कारक तुम ही हो, तुम्हारे लिए तो मैंने अवतार लिया है। अरे ब्रज की बालाएं सोचो, अगर मैं नहीं गया तो उस माँ को कैद से कौन छुड़वाएगा जिसने सात पुत्रों को खो दिया, नाना उग्रसेन को कैद से कौन छुड़वाएगा, पिता देवासुदेव के बारे में कौन सोचेगा। ब्रज की बालाएं कन्हैया को विदा करती हैं, कन्हैया जी चल रहे तो जब तक पास रहे ना आदमी बात ना करे, बाद में क्या भाव। आक्रूर जी के साथ कन्हैया मथुरा की ओर चले हैं और ब्रज की बालाओं के भाव, कि न जी भर के देखा। कथा में ऐसी होता है, पहले दिन कल चले जाएंगे, परसों जाएंगे, और जब उनका मन लगने का टाइम आया तब तक कथा पूर्ण होती हो जाएगी। हमारा एक शिष्य था संदीप, वो कहता था गुरुजी जाने में अच्छा नहीं लगता। मैंने बोला क्यों, बोले गुरुजी जब तक पहले जाओ नए शहर में मन नहीं लगता, सात आठ दिन में मन लगे तब तक जाने का टाइम आ जाता है, इसलिए जाने और आने में दोनों में वेदना होती है। पहले तो मन लगता नहीं, और जब मन लगने लगा तो जाने का टाइम हो गया। ब्रज की बालाओं के पास वस्तु रही तो कद्र किया नहीं, कि जन्म जन्म से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, और मिला सके ना नजर नजर से, मेरी नजर का कसूर होगा। अब कन्हैया जी चले गए तो भाव करती हैं, कि न जी भर के देखा, ना कुछ बात की,
जी भर के देखा, ना कुछ बात। पंडित जी क्या कर रहे हैं? कुछ बात की बड़ी आरजू थी मुलाकात वाला विषय अधूरा रह जाएगा। आप समझ लीजिए कि ब्रज जब मथुरा में पहुंचे राजनीति कैसे होती है। ए ग्रेट वाले वोट नहीं करते, ए ग्रेट की पब्लिक वोट नहीं करती क्योंकि उनका वट इतना होता है, काम हर सरकार करती है। बी वाले परिवार चलवाते, आधा आधा वोट करते, सरकार बदलती सी और डी। कन्हैया जी को इस बात का ध्यान है। ओ भैया शांति रखो जरा। कन्हैया जी मथुरा में पहुंचे हैं, कहते भाई बलराम से, कहते भाई हमारे कपड़े तो पुराने हैं, राजसी ठाट है, गवालों के कपड़े में जाएं तो कैसा लगे। बलराम ने कहा भाई उधार ले लेते हैं किसी से, धोबी वस्त्र धो रहा है उससे रिश्तेदारी बना ली मामा। बोले भाई वस्त्र राजा के दरबार में जा रहे हैं तो राजे जैसे ही रहेंगे, तो कंस के ही वस्त्र मांग लिए, देने को इनकार किया, एक ही मुष्टिका से प्रहार सिर पे किया तो धरती में समाहित हो गया। क्योंकि आज की पॉलिटिक्स पार्टियों की बात करें तो पता है कितनी देर का सुख है। एक सभा में एक राजा के यहाँ हमारे जैसे ये सूरदास जी बड़े प्यारे बंसी बजाते ऐसे गवैये थे, गए वो राजा ने बोला भाई आधा राजपाट तेरा। सूरदास बिचारे आनंद में हो गया है, अब क्या करना, राजा ने आधा राजपाट। ए भैया शांत करो ने, एवी रीते नॉलेज शांत बे हो ना तुम्हें यार, ऑर्केस्ट्रा ने प्रोग्राम छे केम मगज मारी करता तू। तुम्हारे जे कई करवी है ने ते होली बाजू जाई ना करो, यहां मंच ऊपर नहीं।
क्या बोला उसने, आधा राजपाट, ध्यान देना आज की पॉलिटिक्स पार्टियों की नीति। एक साल बाद सूरदास जी फिर पहुंचे कार्यक्रम, बोले महाराज पहचान लिया? बोले हाँ प्रभु जी पहचान लिया। बोले तो आपको शब्द भी याद होगा? बोले कौन सा शब्द? बोले साहब आपने कहा था आधा राजपाट दे देंगे। बोले भाई बोला था लेकिन लेन देन की बात नहीं थी वो। फिर बोले तेरे बांसुरी बजाने से मेरे कान को सुख मिला और मेरी घोषणा से तुझे कान का सुख मिल गया। ये कान के सुख की बात थी, कर्ण सुख की बात थी, लेन देन कहाँ थी? ऐसी आज की राजनीतिक पार्टियां हैं, सिर्फ कर्ण सुख देते हैं, प्रैक्टिकल में आत्महत्या ही करेंगे किसान, उनके लिए टाइम नहीं। कन्हैया जी ने सबसे पहले यानी धोबी मामा को पकड़ा तो डिग्रेट आ गया। अभी आदिशक्ति जिसके साथ रहे, कुब्जा आ रही है, कुब्जा चंदन लेकर श्रृंगार करके जा रही है, महाराज कंस का रोक लिया, बोला मुझे दे दो। तो आदमी कहता आप दल बदलने जाते हैं तो नेगोशिएशन होता है ना। कन्हैया जी ने कहा यह चंदन तिलक हमें लगा दे, हम भी राजा जैसा दिखेंगे, हैं तो भांजे, इस गांव के ब्राह्मण हुए, पूजनीय हुए। बोले भाई वो बात ठीक है, मुझे मिलेगा क्या? बोले कंस क्या देता है? बोले रहने का खाना पीना, राज सरकार, जहां बसे सोई सुंदर देशु, जो प्रतिपाल है वही नरेश। बोले तुझे हम एक काम कर सकते, स्त्री है ना, स्त्री को अगर मुंह पे काला धब्बा हो और उसे ही कह दो कि तू इससे सुंदर हो जाएगी तो 8 दिन नहीं 11 दिन अनाज नहीं खाए, सुंदरता इतनी प्यारी है। अब कन्हैया जी ने उसकी कमजोर नस ढूंढ ली, बोले कुब्जा तू ऐसी कुबड़िया चलती है ना, मैं 5 मिनट में तुझे सुंदरी बना दूंगा। बोले भैया तू कुछ भी कर ले, चाहे मथुरा छोड़ना पड़े पर सुंदरी बना दे। कन्हैया जी ने उसको एक कमर पे लात रखा, प्रभु की कृपा बरसी और वो सुंदरी बन गई। अब कन्हैया जी की यूनिटी कितनी तेज हो गई बताओ, दोनों आगे ना सीडेट, राजनीति कन्हैया से ज्यादा जानते हैं आप। अब कंस के द्वार पर गए हैं, कुबलिया पीड़ हाथी खड़ा है, उससे युद्ध किया, देखते देखते कन्हैया ने कंस का वध किया, उग्रसेन को बाहर निकाला, देवकी को बाहर निकाला और उसके बाद कन्हैया जी ब्रज की लीलाओं को समाप्त करके गुजरात की ओर चले। कन्हैया जी आगे द्वारिका, हमको ऐसा लग रहा है मूल द्वारका, भेंट द्वारका और द्वारकाधीश, ऐसा कुछ है क्या? ऐसे ही है क्या? 3 है। मूल द्वारिका में आए हैं, कन्हैया द्वारिकाधीश में राज कर रहे हैं। तो भाई मेरे, कुछ मोहब्बत दूर से होती है, किसी के साथ जिंदगी भर रहने से मोहब्बत नहीं हो पाती, अपना नहीं बनाया जा सकता, किसी को एक पल देखने के बाद अपना बना लिया जाता है और किसी के गुण वक्तव्य को सुन के अपना बना लिया जाता है कि काश वो सिक्का मेरा होता। कोई पढ़ लेता है कोरे कागज पे जिंदगी की दास्तां, कोई पूरी साथ रह करके भी जिंदगी का एक पन्ना भी नहीं पढ़ पाता। किसी की सुन करके लोग फैन हो जाते हैं ना। अभी हम जैसे आए आपके गांव में तो वो गुड़ का फैन होता है। हम एक घटना बताएंगे आपको। 6 अप्रैल को माता सी का मेरा स्वर्गवास हुआ। अयोध्या में हम हनुमानगढ़ी पे दर्शन करने गए, हमारे साथ IAS ऑफिसर्स और काफी लोग थे, सीढ़ियों पे चढ़ रहे थे। गुरुजी नमो नारायण, अरे आप वही है ना जो टीवी पे आते हैं? मतलब 58 सीढ़ियां चढ़ने में 120 लोगों से तो ये नमो नारायण हो गई। तो जहां एक तरफ वो था कि माता जी के, वहीं आनंद भी आने लगा कि मेरी माँ ने मुझ में इतना ओझ दिया कि जहां भी जाए हमसे पहले लोगों को पता लग जाता ये कौन है। कि सूरत से कीरत बनी जो बिना पंख उड़ जाए, चेहरा तो आपके पास आकर कोई देखेगा लेकिन कीर्ति तो पहले पहुंच जाएगी। ऐसी ही कुछ दशा है विदर्भ महाराष्ट्र में, 2 राज्यों को जोड़ने की परंपरा है। भगवान कृष्ण के
मनमोहक छवि को देखते हुए, भगवान कृष्ण के गुणगान को सुनते हुए, उनकी सुंदर छवि को नेत्रों में समाहित करके रुक्मिणी के भाव ऐसे हो गए हैं कि आंखों के रास्ते से दिल में उतर गए हो, नजरें मिला के मोहन जाने किधर गए हो। महाराजा भीष्म की पुत्री रुक्मिणी कन्हैया जी को मन ही मन प्यार कर रही है। अब यहां आप देखिए, शरीर की बात नहीं हो रही है, पहले समझा दे रहा हूं। श्रीमद् भागवत कथा आध्यात्मिक विषय है, जीवात्मा और परमात्मा की मिलन की बात हो रही है। इसे कुछ लोगों ने अलग तरीके से प्रस्तुत किया है कि भाव जैसे राम कृष्ण वही परमात्मा श्री हरि है, और उन्होंने ही बार बार चर्चाएं तो बहुत ही तरीके से चलती रहेंगी। और ये आपके यहाँ पहली कथा थी, इसमें हमने बहुत कुछ चीज़ों में हस्तक्षेप किया ही नहीं है, क्योंकि दूसरे देश में जाओ तो पहले देखना समझना होता है। है भैया क्या तिवारी बाबा जी, जनकपुर में राम जी गए तो जनकपुर की सखियों ने उनका जूता चुरा लिया, पादुका। सखियों ने उस पे लाल वस्त्र रख दिया, दिया रख दिया, और कहने लगे राम जी अब तो आप मेरे हो गए। बोले हाँ जी। बोले हमारी देवी आपकी हो गई। बोले हाँ जी। बोले तो हमारी कुल की देवी है, इनके पैर छुओ। भगवान राम भाव में भी हवल हो गए, लक्ष्मण का ध्यान नहीं था, भरत की दृष्टि पड़ी और उन्होंने देखा कि अगर भगवान ने पादुकाओं को हाथ लगाया तो मर्यादा नष्ट हो जाएगी। और भरत जी ने देखते 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 ही देखते उन पादुकाओं को उठा के मस्तक पे रख लिया, और पादुकाओं ने उठाते हुए वचन दे दिया, अरे भरत आज तूने ये मर्यादा बचाई, कल तेरी मर्यादा हम बचाएंगे। वही पादुकाओं ने अवध में आकर के रख कर मर्यादा बचाई। श्रीमद् भागवत कथा के लिए जितना पूर्ण समय चाहिए उसकी व्यवस्था थोड़ी रही है, और तृप्त होना अतृप्त होना, जिसकी तृप्ति होनी है वो एक वस्तु में हो जाता है, और जिसकी अतृप्ति रहती है वो मरने तक भी नहीं हो पाता। उनको तो बस रहता है। तो यहां पर उनकी दशा कैसी रही मालूम है रुक्मिणी की? कि नजर नजर तुमसे मिला, नजर तुमसे मिला बैठे जो होगा, नजर तुमसे मिला बैठे जो होगा, देखा जाए में बजाए बेंजो। आनंद बिगड़ रहा है, रख दीजिए फुट पे बजाएंगे। नजर तुमसे मिला बैठे जो होगा, देखा जाएगा।
आधा घंटा रुक जाओ, 5 मिनट तो रुको, सब अपने हिसाब से नहीं हो सकता, कथा में मर्यादा है।